हाय एवरीवन, आई एम ज्योतिका, आपकी गार्डनर दोस्त। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिकाज क्रिएटिविटीज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉमन से हाउस प्लांट की, जिसका नेम है कांटों का ताज, यूफोर्बिया मिली। ये देखिए, वैसे इसे क्राउन ऑफ थॉर्न्स भी कहा जाता है। ये एक सेकुलेंट प्लांट है, सेमी सेकुलेंट। इसके फ्लावर भी ऐसे होते हैं जैसे रबड़ के हों। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, येलो, रेड, पिंक। ये वार्म टेम्परेचर में अच्छे से सरवाइव करता है। बस विंटर में जब बहुत ज़्यादा ओस पड़ती है तो ये उसको जो है टॉलरेट नहीं करता और अपनी ग्रोथ भी रोक देता है। फ्रेंड्स, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा प्लांट है, जिनके पास प्लांट्स की केयर के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। ना कोई केयर, ना कोई फर्टिलाइज़र, कुछ नहीं मांगता। जितना आप इसे नेगलेक्ट करेंगे उतना अच्छे से ध्यान अच्छे से चलेगा। ना इसे कोई पानी की ज़रूरत है। सर्दियों में तो आप इसे पानी नहीं भी देंगे ये तो भी चलेगा। अब जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, जब इसकी मिट्टी की ऊपर की लेयर अच्छे से ड्राई हो जाए आपने इसे तभी पानी देना है, नहीं तो अदरवाइज़ कोई पानी नहीं देना। ये एक सन लविंग प्लांट है, आप इसे फुल सनलाइट में रखें। मैंने तो देखो इसे वहीं पे रखा हुआ है जहाँ पर मॉर्निंग की 3 से 4 घंटे की धूप आती है। अच्छे से चल रहा है, अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहा है। ये देखिए इसके फ्लावर्स मैं आपको दिखाती हूँ। बस फ्लावर्स का जो कलर है अभी थोड़ा लाइट है, जैसे ही विंटर सीजन स्टार्ट होगा इसके फ्लावर्स का ये कलर डार्क हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लावर्स इसके जल्दी से मरते नहीं, लॉन्ग टाइम तक बने रहते हैं। यूं ही कह लीजिए कि पूरा साल बने रहते हैं। और फ्रेंड्स, कुछ लोगों के कॉल्स आते हैं कि हमारे यूफोर्बिया मिली पे जो है फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है, इसकी ये जो लीव्स हैं इसको है कट करना है। ये देखिए मैंने अभी कट किया, इसमें से ये लिक्विड भी निकल रहा है, मिल्की टाइप सा। ये देखिए, आप जो है अगर इसकी लीव्स को कट करेंगे तो इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और इसमें पानी भी कम दें, क्योंकि इसकी जो ये स्टेम्प है कांटेदार, ये अपने अंदर पानी को ऑलरेडी स्टोर करके रखती है, इसलिए इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने इसमें ओवर वाटरिंग कर भी दी तो इसकी स्टेम्प जो है गल जाएगी। और दोस्तों, कईयों का प्लांट जो है इसलिए नहीं चलता, वो ज़्यादा पानी दे देते हैं, इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़ करते हैं, इसलिए जो ये प्लांट है नहीं चलता। बस आप इसे साल में एक बार अच्छे से फर्टिलाइज़ कर दें, या हर 15 दिन में थोड़ा सा किचन वेस्ट मैन्योर का लिक्विड, या काउडन कंपोस्ट का लिक्विड, वर्मी कंपोस्ट हो गया, मस्टर्ड के, कुछ भी, कोई भी एक सेलेक्ट कर लें, बस अच्छे से चलेगा और हैवी फ्लावरिंग भी करेगा। इसके ये जो फ्लावर है पंचीज में आते हैं, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं इसके प्रोपोगेशंस पे। बस कोई भी ये स्टेम कटिंग ले लीजिए, इजीली ग्रो हो जाएगी। और आपने जो है बस इसके पॉट का ध्यान रखना है, इसे ना ही ज़्यादा बड़े पॉट में लगाएं, जितना ज़्यादा छोटे पॉट में लगाएंगे ये उतना अच्छे से चलेगा। बस पॉट के ड्रेनेज होल ध्यान रखें कि जो आपने वाटरिंग करी है वो आसानी से ड्रेनेज हो जाए। आपका ये यूफोर्बिया मिली जो है कहीं नहीं जाएगा। बस इसे ज़्यादा बारिश में ना रखें, ना ही इसे रिपोर्ट करें, क्योंकि इसे जल्दी से रिपोर्टिंग भी बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरा ये जो प्लांट है, मैं तो इसे बिल्कुल छोटा सा लाई थी, अब देखिए इसमें कितनी सारी ब्रांचेस आई हुई है। देखिए काफ़ी मैच्योर हो गया है, और ये जो इसकी स्टेम्प है इस पर भी काफ़ी सारी लीव्स आई हुई है, और इतना हैवी हो गया है कि इसकी ये जो ब्रांच है ये तो नज़र ही नहीं आ रही। ये देखिए, और दोस्तों एक बात और, ये काफ़ी टॉक्सिक है, ख़तरनाक भी है। ये देखिए, ये जो इसमें से ये मिल्क निकल रहा है ये काफ़ी ख़तरनाक है। टॉक्सिक होने की वजह से इस पर जो है जल्दी से पेस्ट वगैरह के अटैक भी नहीं होते। फिर भी आप इस पर हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे भी करते रहें। तो ओके फ्रेंड्स, आप इस यूफोर्बिया मिली को अपने घर में लाएं और लगाएं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। बस स्पेशली वाटरिंग का ध्यान रहें, इंडोर आउटडोर कहीं भी अच्छे से चलेगा। वेल ड्रोन सॉइल में लगाए हैं,
तो ओके फ्रेंड्स, ये थी यूफोरबिया की केयर। अगर पसंद आई हो तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो सो प्लीज़ लाइक माय चैनल। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।